होती है, कैसे न्यूबॉर्न्स को जन्म देते हैं, कैसे प्रोसेस के थ्रू न्यूबॉर्न्स बर्थ लेता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट उठा रही हूँ। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास? दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके वजह से हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो पूरा साइकिल कंप्लीट करे। मतलब रेस्पिरेशन है प्रोसेस, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी लाइफ स्टाइल को भी एडवर्सली इफेक्ट करेगा। सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हमने अभी ये पता है कि प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है ना। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ अ स्पीशीज, किसी भी जाति का आगे तक बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत बेसिक यूनिट है। सो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अगर एक बार सोचते देखो कि जो ऑर्गेनिज्म आज हम अपने आसपास देख रहे हैं एज अ ह्यूमन बींग्स की जो हम देख रहे हैं, अगर वो प्रोड्यूस ही ना हो, रिप्रोड्यूस ही ना हो तो क्या होगा? You will realize the reproduction is very important as it will ensure the continuation of similar kind of individual generation after generation. तो reproduction के process जो है वो generation to generation important है। क्यों important है? क्योंकि आपको किसी भी species का आगे तक आपको उसका child cycle बढ़ाना है तो उसका reproduction process होना चाहिए। Now modes of reproduction, कौन से modes होते हैं? Have you seen the young ones of different animals? आप लोगों ने बहुत से ऐसे जानवर देखे होंगे जिनके जो क्या बर्थ करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, मतलब जो एग वगैरह नहीं देते। Try to name some of the young ones by completing table. आपको टेबल नंबर 9 कर दी है, आप उनके बेबीज के नाम लिखिए कि एनिमल्स जो है वो यंग वंस को उनके बेबी को क्या बोलते हैं। You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillar are born? क्या तुम ये बता सकते हो कि chicks जो है मुर्गियां मुर्गियों के अंडे में से जो chicks निकलता है और caterpillar जो है वो कैसे बॉर्न होता है? How are kittens and puppies born? क्या तुम्हें पता है कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? Do you think that these young ones look the same before they have born as they do know? No. Now, ये अपने मम्मी पापा के जैसे इनके चेहरे इनके दिखने में भी सेम लगते हैं ना। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे एक होता है सेक्सुअल एंड एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स व्हिच यू स्टडी इन क्लास 7, यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स के अंदर भी सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमने बताया कि प्लांट्स में भी हमने देखा था। अब एनिमल्स में कैसे होता है? रिमेम्बर द प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर भी क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कैन यू नेम दिस प्लांट पार्ट, क्या उसके नाम के बारे में आप बताओगे उनके पार्ट्स के बारे में? इन एनिमल ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमें ऐसे ही मेल और फीमेल में भी बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एनिमल्स के अंदर एज ए ह्यूमन बींग, उनमें क्या प्रोड्यूस होता है? गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं जायगोट, जो कि इट इज द जायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यही जायगोट आगे जाके एक बच्चे का रूप लेता है। This type of reproduction meaning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. यही gametes जब एक दूसरे से fuse होते हैं after male and female का physical relation के बाद तो क्या form करते हैं? Sexual reproduction, और उसके थ्रू क्या होता है? Young ones को ये produce करते हैं। Now male reproductive organ, तो male reproductive organs की अगर हम बात करें तो male reproductive organs क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको यूज करके हम क्या कर सकते, न्यू बेबी का
मेल गैमेट्स और स्पर्म। एक बॉडी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है थ्रू विच यू आप यूरिन एक्सिट करते हो, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका स्पर्म प्रेजेंट होता है, जिससे क्या करते हो वो स्पर्म किस लिए यूज होता है, एज अ आपका फीमेल जब आप रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे होते हो तब आप ये स्पर्म यूज करते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं उससे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, एक बार आपको देख लीजिएगा। इससे इसमें क्या स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस नैरेटिव को आप डबल टाइप करेंगे। जो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल बनाना ही है आपको डायग्राम अच्छे से, ठीक है, ध्यान से पूरा डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। सो अभी तक क्या देख रहे हो, ये दो ट्यूब्स टाइप की आपको दिख रही है और यहां से तीन क्वार्टर होते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, इन किसको बोलते हैं पेनिस, ये आपका स्पर्म डक्ट होता है जहां से स्पर्म बनता है और प्रोड्यूस होता है स्पर्म डक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब आपका अगर ह्यूमन स्पर्म की बात करें, आपका स्पर्म जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसके लिए मैं बात करेंगे, तो एक डायग्राम आपको ह्यूमन स्पर्म का यहाँ पे दे रखा है, मैं बनाना चाह रही हूँ। ये देखिए, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये आपका स्पर्म बैग है, जैसे स्पर्म इजेक्ट होता है निकलता है, ये मिडिल पीस है,
और ये आपका फिफ्थ है, ठीक है। ये आपका हो गया ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर। बच्चों स्पर्म इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है आप इनके डायग्राम्स आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपको बनाइए इसको डिस्कस कीजिए इनके पास, ठीक है। तो रिमेम्बर दिस पॉइंट। अब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाऊंगी, ये आज की क्लास का आपका लास्ट टॉपिक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इस साइड का जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ